पीरां दा फरमान, बिन विद्या ना मिले ज्ञान, पढ़ पढ़ पावे विद्या मान, सब तो उत्तम विद्या दान। मेरा नाम बलराज सिंह, मैं अज DSM अमृतसर काम कर रहा हाँ। स्मार्ट स्कूल के उत्ते असी लगातार काम कर रहे हैं, जिस दे विच 419 स्कूलों 404 स्कूल जिहड़े आ उन्हां नूं असी स्मार्ट स्कूल दे विच कन्वर्ट कर चुके हैं। असी अमृतसर दे विच एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, जिहदे विच साडे मानयोग जिला सिक्ख्या अफसर, साडे मानयोग डिप्टी जिला सिक्ख्या अफसर, ये सारी टीम के तौर पर असी काम कर रहे हैं। ये तो बगैर असी 27 होर पैरामीटर ने जिन्हां दे उत्ते जिहड़ा वा ओह काम कर रहे हैं। हरेक स्कूल दे विच अलग अलग जिहड़ियां स्मार्ट एक्टिविटीज़ करवाइया जांदियां है, जिस विच स्पैशल जिहड़ियां मॉर्निंग असैम्बली विच इंग्लिश विच जिस तरह न्यूज़ या जां दूसरियां एक्टिविटी जिहड़ियां वा ओह करवाइया जा रहियां हन। सब तो वड्डा जिहड़ा योगदान ये स्मार्ट स्कूल दे नाल ये पिया वा कि साडी इनरोलमेंट जिहड़ी आ उहदे विच बहुत जिहड़ा वा ओह वाधा हो रहा है। लोग अपने आप इन्हां स्कूलों की दिल खिचवी जिहड़ी आ ओह देख करके जिहड़े साडे नाल जुड़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे साडे इन्हां स्कूलों विच जिहड़े आ ओह एडमिशन लै रहे हैं, इस करके एक बहुत वधिया सरकार का उपराला वा कि इस लैवल पर इस तरह के जिहड़े स्कूल ने असी जिहड़े आ ओह बनाए आ। ते बहुत थोड़े समय तक मेर भी कि ऐसे महीने के जिहड़ा फुल टारगेट है वह उन्हों असी कंप्लीट कर लाँगे। 419 स्कूल जिहड़े आ उन्होंने असी स्मार्ट स्कूल के कन्वर्ट कर लाँ। थैंक यू जी। मेरा नाम उत्तम रणदीप सिंह है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी सैल्फ स्मार्ट स्कूल कोट बाबा दीप सिंह का विद्यार्थी हाँ। जो कि सब तो पहला मैं इतों के अध्यापकों के बारे तुम्हें दसागा कि जो कि बहुत ही अनुशासन के अनुशासन ही सानू सिखाते हैं, टाइम से स्कूल आते हैं, साड़ियाँ एक्सट्रा क्लासेस भी लेंदे ने, ते हर एक सब्जैक्ट जो सब्जैक्ट टीचर है वो बहुत ही अच्छा समझाते हैं। तो जेकर गल करिए इतों दी फैसिलिटीज़ की, जो कि सानू सहूलत काफ़ी हद तक इतने मिलदियाँ जरूर ने, सानू पानी की सहूलत है, अच्छे टॉयलेट्स मिले हुए हैं, सो साढ़े इतने साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, मैथ लैब है, एजुसैट लैब है, जिते कि सैटेलाइट थ्रू सानू पढ़ाई करवाई जाती है। सानू वख-वख खेडां विच जाण दे मौके भी जरूर मिलते हैं। मैं मिनी गोल्फ दे विच नैशनल गोल्ड मैडलिस्ट हाँ, इसके अलावा टाइकमांडो दे विच नैशनल भी भेजे जाते हैं, तो एक विद्यार्थी साडे स्कूल का जो इंटरनैशनल तक भी खेड चुका है। तो मैनू नाज़ है अपने आप के उत्ते, अपने स्कूल के उत्ते, अपने अध्यापकों के उत्ते, तो मैं फख्र है अपनी किस्मत उत्ते कि मैं स्कूल के अज हाँ। सत श्री अकाल सर, ये कोट बाबा दीप सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल तो बोल रही है। मेरे इस स्कूल के बच्चे अगे भी पढ़ के चले गए हैं, तो एक बच्चा मेरा होर पढ़ रहा है, जेडे कि मतलब इस तो पढ़ के जान करके उन्होंने पढ़ाई बहुत वधिया चली है। तो मैडम भी बहुत मेहनती हैं जिन्होंने इन्नी कि बच्चों मेहनत कराई नहीं, तो इन्नी मेहनत प्राइवेट स्कूलों के नहीं हो रही, जिन्हें सरकारी स्कूल के केयर बच्चों ने मगर हर एक बच्चे के मगर ध्यान दिता जाता है, क्योंकि जो साढ़े बच्चे पढ़ के जाते सूँ उस पता लगता है कि साढ़े बच्चों कितों उन्होंने मतलब उन्होंने लाइफ बन रही है। और इस स्कूल बच्चों बहुत सहायता दिखाई जाती हैं, जिमें कि यूनिफॉर्म वर्दी सारे मतलब खाना भी दिता जाता, उन्होंने 8वीं तक किताबा भी फ्री दिखाई जाए ने, और भी उन्होंने बच्चों के कोई किसी वेल ना भी कोई चीज़ मतलब घरों अपने घर घर की गरीबी करके ले जाए तो मैडम उन्होंने पूरा साथ दिदिया ने, इस करके अं इन्हों का जिन्ना भी धनवाद करिए उन्ना थोड़ा जी। हर देखते सुनते समझते दे, संवेदनशील बुद्धि वालों सलाम सलाम है उस हर सिरड़ी नूं जिसने सिक्ख्या विभाग के महायज्ञ विच अहुतियां दे के सरकारी स्कूलों मुख धारा विच लै आंदा ते समय दे हाण दीआं चुनौतियां संग जूझण दे समर्थ बणाया। रमनदीप कौर अरोड़ा, कंप्यूटर फैकल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल स्मार्ट स्कूल मॉल रोड अमृतसर। विद द रीसेंट अपडेशंस इन करिकुलम एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाईटेक लैब्स कंप्यूटर लैब्स एंड द न्यू वोकैबुलरी लर्निंग रिसेंटली हैज़ बीन एडेड इन टू आर करिकुलम, आई फील दैट द स्टूडेंट्स मोर स्पेशली द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हु वर नॉट हैविंग द इनफ रिसोर्सेज to grab the opportunities so that they can groom in future. Right now they are learning everything. I'm really really thankful to our government that they have added these new concepts to our government schools. Now I can proudly say that government schools are no less than
any other private institute. In fact, the teachers are so well groomed and qualified that they have each and everything to give to their students. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਸਿੰਗ ਗੇਟ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਫੇਮਸ ਮਾਨੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਰੋਬੋਟ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਡਰੋਨ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਐਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲੋਡ So basically it's a Atal Tinkering Lab, it was set in October 2018. Yeah. So it's based on the STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. The different parts were given to us and the students have to assemble it. Otherwise if you can see it, it can't stand. Okay. So students, they have assembled around 500 parts in such a way and then installing the software that now this robot can move in any direction and it can detect the colors as well. The moment it will show the different colors, accordingly it will respond. So these students, they are learning, they are going in the field of engineering now. So every student of this school, it's our ambition that if any girl want to go in the field of engineering, we'll give the basic training to all the students. They are using their minds, they are using their tinkering minds. So hopefully in the field of engineering, medical sciences, they are going very ahead and they'll have a very successful life in future. ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਫਲ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਰਸੀਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਆਓ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈਏ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-wheelers ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਨਵੇਅੰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਸਿਸ ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
मैं हरभगवंत सिंह उप जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी सिक्ख्या अमृतसर मानयोग श्री कृष्ण कुमार जी सकत्र सिक्ख्या विभाग जी के निर्देशों अनुसार असी रोजाना ही सवेरे 9 बजे तो लैके 3 बजे तक स्कूल विजिट करते हाँ अते उन्हां स्कूलों के विच जो पढ़ाई का म्यार चल रहा उन्हां दी टैसटिंग भी करते हाँ ते होर जिहड़ियां कोई मुश्किलों ने जां स्कूल दीआं मुश्किलों ने जां टीचर दीआं मुश्किलों ने बच्चों दीआं मुश्किलों ने वो असी उत्थे जाके स्कूलों के डिस्कस करते हैं और डेली जिहड़ी उसकी रिपोर्टिंग है दर्पण ऐप दे विच कीती जा रही है साडे द्वारा और जिसकी जिहड़ी उसकी हैडक्वार्टर द्वारा डेली साडे जिहड़ियां रिपोर्टां भेजियां जांदियां ने उन्हां दे उत्ते काम जिहड़ा ओह हुंदा है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राजेश कुमार है, उप जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी अमृतसर। मैं अमृतसर विखे काम कर रहा हाँ। मेरे को जी बाबा बकला तहसील अमृतसर 1 और मजीठा 2 मेरे को जी तहसील है जिस मैं वर्किंग करदा। साढ़े स्कूलों डीएम आते हैं, सानू वर्कबुक पढ़ाते हैं, सारे बच्चे नाल कली कली गल शेयर की जाती है, अध्यापकों नाल मीटिंग की जाती है, स्कूल के बारे सारा विचार वटांदरा किया जाता, स्कूल की डिवेलपमेंट बारे डिस्कस किया जाता। उस तो अलावा इनरोलमेंट के जड़ा मैनू जो नोडल अफसर लाया गया वा इनरोलमेंट के असी जड़ा वा स्पैशल असी पिंडा दे विच जड़ा वा अपने स्टाफ के नाल जिथे जिथे भी मैनू मैसेज मिलता असी स्पैशल जा रहे हैं और असी सारा इनरोलमेंट बारे भी गल की है जिस तरह असी पिछले साल इनरोलमेंट पर काम किया वधाई है। इस साल भी असी जी तनदेही लगे हैं वो तो वह इनरोलमेंट वधावे हूँ। इस वे दिख अच्छी होने के नाल पिंड दे विच सब तो वधिया स्कूल की दिख ही लगती है जो असी एंटर करते हैं और असी अंदर जड़ा वा बाला वक्स कलर कोडिंग और कला कली चीज़ जी देखते हैं और मेरे DSM जी बलराज जी बहुत वधिया ने असी उन्होंने नाल जड़ा वा कहता राफ्ता काम किया हुआ कि स्कूल वर्क करना उन्होंने को लिस्ट लैके असी सारा वर्क करते हैं। अपने जिले साडा जिला जड़ा वा बहुत वधिया चल रहा वा। असी मैं फिर दोबारा मानयोग सकत्र साहब का जड़ा बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने सानू ये कंसैप्ट जड़ा दिता जिसे असी वर्क किया और अपने जिले में बहुत ही खूबसूरत असी जड़ा वा बनाया वा और असी जड़ा वा इन बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पंजाब सरकार स्कूल सिक्ख्या विभाग मानयोग सिक्ख्या मंत्री श्री विजय इंद्र जी सिंगला की रहनुमाई हेठ अते साडे बहुत ही सिरड़ी मानयोग सकत्र स्कूल सिक्ख्या श्री कृष्ण कुमार जी की अगवाई दे हेठ पंजाब दे सारे बच्चों वास्ते स्मार्ट स्कूल का कंसैप्ट लैके आउंदा स्कूलों की नुहार बदल दिती। जेकर किसी समाज का अध्ययन करना होवे तां उस समाज दे स्कूल की चारदीवारी दे अंदर झाती मार के देख लो। सो अज दे साडे स्कूल समय दे हाणी बन चुके ने, स्मार्ट स्कूल बन चुके ने। मैं स्मार्ट स्कूल की डेफिनेशन नूं अपने पद्धर ते इलैबोरेट किया। स्मार्ट मीनस सिस्टमैटिकली मैनेज्ड एंड रिसोर्सफुली टारगेटेड। सो ये साडे स्कूल प्रिंसीपल साहबान स्कूल मुखी साहबान ने अपने हिम्मत बलबूते नाल उद्यम दे नाल टारगेट्स जिहड़े आ उह निश्चित करके रिसोर्सिस पैदा किए और रिसोर्सिस दे नाल इन्हां स्कूलों की नुहार बदल के रख दिती। अज इन्हां साडे सारे स्कूलों के विच उह सारियां सहूलतां उपलब्ध हन जो कि एक स्कूल दे विच एक स्मार्ट स्कूल दे विच होनियां चाहीदियां हन। इस स्कूल के अध्यापक भी स्मार्ट हो गए ने और इस स्कूल के विद्यार्थी क्या कहने वो भी बहुत स्मार्ट हो गए ने। मैं ये संदेश दिना हाँ कि आओ सारे रल के अपने हिस्से का 100% योगदान पाइए अते अपनी नवी पनीरी नू इस नवी आने वाली पीढ़ी नू असी मजबूत बनाइए स्मार्ट बनाइए स्मार्ट बनाइए। धन्यवाद। पंजाब सरकार के सिक्ख्या विभाग वालों साढ़े सरकारी स्कूलों नू स्मार्ट बनाने के बहुत चंगे उपराले किए जा रहे हैं। जिला अमृतसर के 419 स्कूलों के लगभग 99% जोड़े स्कूल हैं साढ़े स्मार्ट बन गए हैं एंड कुछ 10-15 स्कूल जोड़े ने 29 फरवरी तक स्मार्ट जोड़े बन जाएंगे। जोड़े साढ़े ऑन रोड 54 स्कूल ने जो उ जाइए तो उन्होंने नुहार जिस तरह सिक्ख्या विभाग के उपराले बढ़ गया वो देखने वाली हैगी।
साढ़े जोड़े बच्चे ने वो सिक्खित हो रहे हैं, साढ़े जोड़े टीचर ने वो स्मार्ट बन रहे हैं, जोड़े साढ़े स्कूलों के बायोमैट्रिक अटेंडेंस है उन्होंने की हाजिरी बढ़ी हैगी, एंड जोड़े प्रोजेक्टर स्कूलों के दिए गए हैं बच्चों उन्होंने शिक्षा का जोड़ा स्तर है वो काफ़ी उच्चा जरा चुकया गया है। मैं सिक्ख्या विभाग का बहुत आभारी हाँ कि साढ़े जिले अमृतसर के स्कूलों की मुहार बढ़ती है, तो अगे आने वाले समय के जोड़ा सिक्ख्या का स्तर है वो काफ़ी उच्चा जरा। पात्र साहब दियां कुछ लाइनां याद आ रही हैं, जे आई पत चढ़ तां फेर की है तू अगली रुत च यकीन रखी, मैं लभ के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। जिंदाबाद। चलो चलो सरकारी स्कूल चलो चलो, चलो चलो सरकारी स्कूल चलो चलो, की सिफत करा मैं इना दी हुण बदल गई ये नुहार, की सिफत करा मैं इना दी हुण बदल गई ये नुहार, हर खेतर दे विच अगे हन उच्चा विद्या दा मेयार। चलो 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 सरकारी स्कूल चलो चलो, सारे चलो सरकारी स्कूल चलो चलो, चलो, चलो।